इसमें लोग कंपेरिजन करने वाले Realme GT Neo 2 और Realme X7 Max के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कौन सा फोन आपको बेटर देखने को मिलता है और कौन सा आपको बाय करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक बिंद्रावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में, किसमें क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है और किसका क्या प्राइस है, कौन सा फ़ोन आपको बेटर देखने के लिए मिलता है। तो सिंपली बात करते हैं डिस्प्ले की। जहाँ पर तो जो कि Realme GT Neo 2 है, इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर बात करते हैं साइज की, तो इसमें आपको 6.62 इंचेज का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको 85.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। बात करते हैं रेजुलेशन की, तो आपको 1080p x 2400 पिक्सल देखने के लिए मिल जाता है, 29 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने के लिए मिलता है, और इसमें आपको ऑलमोस्ट 398 PPI डेंसिटी देखने के लिए मिलता है, आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं Realme X7 Max के डिस्प्ले की, तो इसमें आपको सुपर AMOLED देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। साइज की बात करते हैं, तो इसमें आपको 6.43 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको 85.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिलता है, आपको 1080p x 2400 पिक्सल देखने के लिए मिल जाता है, 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने के लिए मिलता है, और आपको 409 PPI डेंसिटी देखने के लिए मिल जाता है। जहाँ पर इसमें आपको ड्रैगन 10 का ग्लास देखने के लिए मिल जाता है प्रोटेक्शन के लिए। बात करते हैं बैटरी की, तो जो कि Realme GT Neo 2 है, इसमें आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर तो सिंपली इसमें आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलता है, जो कि क्लेम करता है 36 मिनट में 0 to 100% चार्ज कर देगा आपके स्मार्टफोन को। जहाँ पर तो बात करते हैं Realme X7 Max की बैटरी की, तो इसमें आपको 45 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलती है, इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलता है 50 वाट का, जो कि क्लाइम करता है 16 मिनट में 50% चार्ज कर दे। बात करते हैं कैमरे की, तो दोनों ही फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का वाइड के लिए और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए, और 2 मेगापिक्सल आपको माइक्रो के लिए देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर तो जो कि Realme GT Neo 2 है, इसमें आपको LED फ्लैश HDR पैनोरमा देखने को मिलता है, और इस कैमरे से आप 4K 30fps और इसके अलावा यहाँ पर 60fps पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1080p 30fps पर Zaro EIS के साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करते हैं, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने के मिलता है, जिसमें आपको HDR पैनोरमा और इस कैमरे से आप 1080p 30fps पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जहाँ पर तो बात करते हैं Realme X7 Max के कैमरे की रिकॉर्डिंग की, जहाँ पर तो इसमें आपको डुअल टोन LED प्लस HDR पैनोरमा देखने के लिए मिल जाता है, इस कैमरे से आप 4K 30fps 60fps 1080p 30fps 60fps और 480fps पर भी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जहाँ पर तो बात करते हैं सेल्फी कैमरे की, तो इसमें भी आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने के लिए मिलता है, इस कैमरे से आप 1080p 30fps पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और फ्रंट में भी आपको यहाँ पर HDR पैनोरमा देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज की, तो जो कि Realme GT Neo 2 है, इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और आपको 12GB रैम 256GB स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगा। स्टोरेज टाइप की बात करते हैं, तो USB 3.1 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट स्टोरेज होता है, और इसमें आपको कोई भी डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलता है। जहाँ पर दोनों ही फोन में आपको कोई भी अलग से मेमोरी कार्ड लगाने के लिए जगह नहीं मिलता है। बात करते हैं Realme X7 Max के रैम एंड स्टोरेज की, तो इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 256GB स्टोरेज, इसके अलावा यहाँ पर 12GB रैम 256GB स्टोरेज देखने को मिलता है, और इसमें भी आपको UFS 3.1 स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोनों ही फोन में आपको एंड्रॉयड 11 देखने के लिए मिल जाता है। चिपसेट की बात करते हैं, तो जो कि Realme GT Neo 2 है, इसमें आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 870 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर पर बना हुआ है। दोनों ही फोन में आपको ऑक्टा कोर देखने के लिए मिलता है। GPU की बात करते हैं, तो Realme GT Neo 2 में आपको Adreno 650 देखने के लिए मिल जाता है। जहाँ पर और जो कि Realme X7 Max है, इसमें बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें भी जो कि चिपसेट लगा हुआ है, इसमें आपको MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, Dimensity 1200। बात करते हैं Realme X7 Max के प्रोसेसर की, जहाँ पर तो इसमें भी आपको Android 11 देखने को मिल जाता है। चिपसेट की बात करते हैं, तो इसमें आपको MediaTek की तरफ से Dimensity 1200 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। इसमें भी आपको ऑक्टा कोर देखने को मिल जाता है। और GPU की बात करते हैं, तो Mali G77 देखने को मिल जाता है EMC9 के साथ। यहाँ पर जो कि आपका ग्राफिक्स होता है वह बहुत ही बूस्ट हो जाता है, और यह फोन ज़्यादा हीट नहीं होगा कंपेयर टू Realme GT Neo 2 में। जहाँ पर तो सिंपली जो कि यहाँ पर Realme GT Neo 2, इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक देखने के लिए नहीं मिलता है, और जो कि Realme X7 Max, इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक देखने के लिए मिलता है। दोनों ही फोन में USB Type-C, इसके अलावा यहाँ पर सभी टाइप के सेंसर देखने को मिलते हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने के लिए मिल जाता है, और यही सभी स्पेसिफिकेशन है। कलर
की बात करते हैं तो Realme GT Neo 2 में आपको Neo Black, Neo Blue और Neo Green देखने के लिए मिल जाता है, और जो कि आपका यहाँ पर Realme X7 Max इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है मरकरी सिल्वर, इसके अलावा एस्ट्रॉइड ब्लैक देखने के लिए मिल जाता है और मिल्की वे देखने के लिए मिल जाता है। करते हैं दोनों में कौन सा फ़ोन बेस्ट है यहाँ पर, तो सिंपली जो कि आपका Realme GT Neo 2 है इसका जो कि प्राइस है आपको बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, तो और जो कि Realme X7 Max इसका प्राइस आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो कि Realme X7 Max है इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस और प्राइस भी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगा। सिंपली कमेंट करके बताइए कौन सा फोन आपको बेस्ट लगा और क्या चीज़ आपको डिफरेंट देखने को मिला और कौन सा फोन आप यहाँ पर बाय करने वाले हैं। तो उम्मीद आप समझ गए दोनों के कंपैरिजन के बारे में क्या चीज़ आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कोई सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।